ये देखो मैं भी फिसलता हुआ जा रहा हूँ, ये देखो ओए। ये ऐसे कुछ यहाँ पे राइड करने को मिलेगा आपको, एंजॉय कर रहे हैं सारे टूरिस्ट यहाँ पे। फॉल भी होने वाला है, लाइक यहाँ पे वेदर कंडीशन भी देख सकते हैं, पीछे पूरा फॉग फॉग हो रहा है इस टाइम पे। अगर हो गया यहाँ पे स्नोफॉल तो क्या ही कहने, किस्मत मनाली में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। आप सभी को सबसे पहले श्रीनगर कश्मीर से प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सलाम। जैसे कि आपने मेरी रिसेंटली जर्नी देखी होगी, मैं श्रीनगर कैसे आया। अगर आपने मेरी वाली जर्नी नहीं देखी कि मैं दिल्ली से श्रीनगर बजट ट्रैवल करके कैसे आया, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। आज फ्रेंड मैं इस व्लॉग में आपको पूरा एक्सप्लोर कराने वाला हूँ गुलमर्ग, और गुलमर्ग आप कैसे रीच कर सकते हैं, कैसे आप पहुँच सकते हैं बाय शेयरिंग टैक्सी, बाय बस, और कहाँ से बस आपको मिलने वाली है। सामने होटल देख सकते हैं, आपने लास्ट वाली वीडियो में भी देखा था यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ। यहाँ से अब मैं मूव करने वाला हूँ डल लेक से, अपना देखते हैं अभी बस स्टैंड जाएंगे या फिर शेयरिंग टैक्सी लेने वाला। तो वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला, पूरा गुलमर्ग का। गुलमर्ग में क्या कुछ आपको वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ मिलने वाली है, स्की मिलने वाली है, वहाँ पे जो है रोप है, तो सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे 9:15। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, मेरे को पहले ही मूव करना था। मोस्टली टूरिस्ट जो है सुबह मॉर्निंग में यहाँ से मूव कर जाते हैं अपने गुलमर्ग के लिए। तो 9:15 हो रहे तो मैं यहाँ से मूव करूँगा गुलमर्ग एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो था घाट नंबर 1 के पास मेरा होटल था। और ये सारा बजट आज का जो व्लॉग होने वाला है, आपको पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लोर भी कराने वाला हूँ। गुलमर्ग में सोच के आया था कि मैं आपको एटलीस्ट गुलमर्ग तो एक्सप्लोर करा ही दूंगा, अगर आप में से कोई प्लान करे हो। गुलमर्ग मोस्टली टूरिस्ट जो है जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, सीधा रोड जा रही है। ये ग्लव्स वगैरह मैंने डाल लिए, ग्लव्स के बिना तो यहाँ पे काम ही नहीं है। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट आगे भी लेके आता रहूँगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने का कष्ट थोड़ा सा कर देना, और लाइक भी कर देना। लाइक की कंजूसी मत करना। देख सकते हैं यार कश्मीर, यार ड्रीम था ये भी। मेरे को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कश्मीर घूमने भी आऊँगा, श्रीनगर घूमने आऊँगा। फाइनली आप सबके लिए मैं एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। फ्रेंड सुबह सुबह थोड़ी सी जो यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी आता है, उसके चलते भी थोड़ा सा कीचड़ वीचड़ भी हो रखी है। और अभी टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर यहाँ पे -3 था। मैंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के देखा था 7:30-8 बजे करीब -3 था। अब दिन में जाएंगे तो -2, -1 या फिर 1 के करीब आ जाएगा दिन में। और ऊपर तो और भी बिल्कुल माइनस चले जाएगा। जब गुलमर्ग है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में चले जाएगा टेम्परेचर, वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, इसके चलते। ओह बहुत ठंड है यार। अगर आप आ रहे हैं कश्मीर या श्रीनगर, प्लानिंग कर रहे हैं विंटर्स में, तो यार जैकेट वैकेट पूरा अपना पैक करके आए, पूरे साजो सामान के साथ लेके आए यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ से बात करें श्रीनगर से, अपना जो गुलमर्ग का डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पड़ने वाला है 80 से 90 किलोमीटर के बीच में। और तो सबसे पहले आपको लाल चौक से बस स्टैंड से जाएंगे या डल से जाएंगे या शेयरिंग टैक्सी लेंगे, तो सारी जो गाड़ी है, सारी कैब जो है आपको उतारने वाली टंगमर्ग से। फिर आपको जो है दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी, वो सबको ही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाकर के जो है गाड़ियों के नीचे चेन लगी होती हैं। जो गाड़ियाँ हैं वहीं पे ही वो चलती हैं टंगमर्ग के बाद अपना गुलमर्ग तक के बीच में, तो उससे जाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हमको टंगमर्ग जाना है। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने अभी मिनी बस ले ली है, ये मेरे को ड्रॉप करने वाली है बटमालू तक। बटमालू से फिर मैं बस लेने वाला हूँ टंगमर्ग के लिए। 15 से 20 मिनट लगने वाला है इस बस में हमको बटमालू पहुँचने तक के लिए। और बटमालू तक का यहाँ पे फेयर बता दो, 12 रुपये, 12 रुपीज़। ये फ्रेंड्स अपना आ चुका है क्लॉक टावर लाल चौक का घंटाघर। फ्रेंड्स ये वाली अपनी बस थी पहले, ये वाली बस अपनी जा चुकी है। अब उसके बाद इस वाली बस में बैठे हैं, और ये वाली कुछ आगे जाके तो उतारेगी, जहाँ से अपने को टंगमर्ग के लिए बस वगैरह मिलने वाली है। फ्रेंड जहाँ पे भी हम खड़े हैं, इसका नाम है, क्या नाम बताया अभी आपने? डमरवाड़ी चौक कुछ करके है। यहाँ से फिर हम आगे मूव कर रहे हैं मंडी के लिए ना, मंडी जहाँ से आपको टंगमर्ग की बस मिलेगी। टंगमर्ग की बस आगे से मिलेगी। फ्रेंड जब पहुँचते हैं वहाँ पे जल्दी से। फिर फ्रेंड ये बस ने उतार दिया हमें मंडी के पास, ये मंडी है। तो फ्रेंड चाहिए मैं मंडी के पास आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे टैक्सी स्टैंड काफ़ी बड़ा है, टैक्सी मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी टैक्सी खड़ी है देख सकते हो। और यहाँ पे अपनी है टवेरा खड़ी हुई है, टवेरा यहाँ से मेरे को भी लेके जाएगी। भैया की गाड़ी है, तो नाम क्या आपका? यूनिस नाम है भैया का। तो यहाँ से टंगमर्ग के लिए रेगुलर चलती है ना गाड़ियाँ, कंटिन्यू। मंडी है ना, मंडी के पास। और कितना किराया? गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट है। कितने पैसे लगते हैं? 100 रुपये लगते हैं पैसेंजर, मतलब भरने के बाद यहाँ पे मूव करती है, बैक टू बैक जाती रहती है। ठीक है, थैंक यू भैया। यही सब निकलने वाला है टंगमर्ग के लिए। टंगमर्ग से फिर आगे निकलेंगे अपना गुलमर्ग के लिए। सुबह के बज रहे अभी 10:30 के आसपास हो रहा है। देखते हैं कितना टाइम लेती है यहाँ से टंगमर्ग का। 45 से 1 घंटा, मोटामोटी 1 से सवा घंटा मान के चलो अपना टंगमर्ग के लिए। और वहाँ से आगे के लिए 7 किलोमीटर उससे आगे। चलो कवर करते हैं आप सबके लिए गुलमर्ग, दिखाते हैं आपको कश्मीर की शान अपनी है ना गुलमर्ग। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया जगह है अपनी, एक नंबर। बर्फ बहुत हो रही है, मजा आएगा। अगर आपको गुलमर्ग साइड जाना है, अगर जो बटमालू है, बटमालू जो भैया ने बताया, बटमालू स्टैंड जो बंद हो चुका है, आपको यहीं से मूव करना पड़ेगा आगे टंगमर्ग के लिए। मंडी से मूव करना पड़ेगा आगे। तो बस स्टैंड, क्या सॉरी, बस स्टैंड मंडी आना पड़ेगा, यहीं से आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा आगे गलमर्ग जाने के लिए। हाँ, टवेरा, सुमो, ये सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, और यहाँ से आपको बसेस भी अवेलेबल मिल जाएंगी गलमर्ग के लिए। बट बसेस का सीन क्या है, बस का थोड़ा टाइम ले लेती है, अगर आप बस से जाना चाहते हो तो बस से भी जा सकते हैं। ये सारी बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं और पीछे भी यहाँ पे बस स्टैंड है, पीछे पीछे जा सकते। फ्रेंड बस जो आपको बस लेने वाली है 50 रुपये, बट वो टाइम ज़्यादा लेते तो मैं उससे नहीं जाने वाला, तो इससे जाने वाले हैं। बस फिसलती भी ज़्यादा, तो इससे अपना टवेरा से जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन बता दी। बटमालू का बस स्टैंड नहीं है, अब आपको मंडी बस स्टैंड आना पड़ेगा। मंडी बस स्टैंड से टवेरा आपको जो है शेयरिंग में मिल जाएगी, जो आपसे लेने वाली मात्र 100 रुपीज़, 100 रुपये में आपको गलमर्ग उतार देगी। जो मैं डल लेक के पास था, वहाँ पे मेरे को टवेरा मिल रही थी, इनोवा मिल रही थी, वो मेरे को 1500 से 2000 रुपये बता रही थी मेरे लिए, कि आपको 1500 से 2000 रुपये देंगे, वो आना जाना करवा देंगे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। गुलमर्ग में भी जाऊँगा, वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ करूँगा, तो मोटा मोटी मेरे को 5 से 6 हज़ार रुपये का पड़ जाता। तो 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे को ना लगे, तो इसके चलते मैं यहाँ पे मंडी बस स्टैंड आ गया हूँ आप सबके लिए बजट फ्रेंडली कवर करने के लिए, ताकि आपको भी मैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता पाऊँ और आराम से आप पहुँचे अपना गुलमर्ग, जो भी हर किसी का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। तो ये डेस्टिनेशन मैं आप सबके लिए कवर करने वाला हूँ बजट फ्रेंडली में। क्यों बढ़िया लगा ना, तो इसी के चलते एक लाइक भी कर देना यार दोस्तों। निकल चुके फ्रेंड्स यहाँ पे 10 से 15 मिनट का वेट करने के बाद, पैसेंजर भी आ गए हैं सारे। फ्रेंड्स गाड़ी ने हमें उतार दिया यहाँ पे, मंडी से जो मैंने ली थी अपनी गाड़ी, गाड़ी ने मेरे को 100 रुपीज़ में यहाँ पे गलमर्ग को उतार दिया। 1 घंटे से भी पहले उतार दिया। गलमर्ग का स्टैंड है, यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी आगे जाने के लिए गुलमर्ग। फ्रेंड्स अपने को गाड़ी मिल चुकी है गुलमर्ग जाने के लिए। आगे बैठ जाओ, मैं आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। फ्रेंड बैठ चुका अपनी टाटा सुमो में, गुलमर्ग उतारेगी अपना। थोड़ी देर में जब पैसेंजर आ जाएंगे उसके बाद मूव करेंगे यहाँ से। निकल चुके हैं यहाँ से फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट का कुछ वेट करने के बाद पैसेंजर आ गए। फ्रेंड्स मोस्टली जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं आगे, उनमें सब में टायरों में चेन लगी है, मोस्टली पीछे वाले टायर में, आगे वाले में भी। आगे में तो नहीं है, पीछे वाले में तो लगी हुई है सब में, स्लिप ना हो एक रीज़न है। देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़, स्नो भी तो भरा पड़ा है पूरा, जितने भी माउंटेन्स हैं यहाँ पे देखो। गजब यार क्या व्यू है, ऊपर पहुँचेंगे तो और कितना बढ़िया व्यू आने वाला है। ये देखिए, ओए होए। हमारी गाड़ी ने बढ़िया छोड़ दिया, देख सकते हैं टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे। कुछ मतलब 20 से 25 आधा घंटा लिया ये भी है। यहीं पे आपको ये देखिए गाड़ियों के नीचे जो इन्होंने वो लगा रखी है, चेन लगा रखी है। यहीं पे मैं उतर गया। यहाँ पे मेरे को जो है गाड़ी वाले भैया ने 50 रुपये लिया, मात्र 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ लिए मेरे को जो है मंडी का बस स्टैंड से लेकर के अपना गलमर्ग से लेकर के यहाँ पे गुलमर्ग तक मेरे को 50 रुपये, मतलब 150 रुपये में यहाँ पे आ गया हूँ। और उससे पहले 20 रुपये मैंने वो दिया थे डल लेक से अपना मंडी आने के लिए, मतलब मोटा मोटी मैं 170 रुपये, मात्र 170 रुपीज़ में पहुँच चुका अपना गुलमर्ग, जो कि मेरे को पहुँचा रहे थे 1500 रुपये, 2000 रुपये। ये भाई बजट जर्नी है जो आपको दिखाई है मैंने। अगर आप ऐसे प्लान कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, डल लेक या कहीं से भी आप मंडी जा सकते हैं, मंडी बस स्टैंड, वहाँ से आप कैब ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जूते वगैरह जो है नहीं लिए थे मैंने, यहाँ पर बूट वगैरह मैंने नॉर्मल अपने जूते से आया था। और अगर आपको बूट चाहिए, बूट के साथ अगर आपको जैकेट भी चाहिए, तो बूट और जैकेट आपको जो है गलमर्ग में मिल जाएगा। और गुलमर्ग में ही मिल जाएगा। यहाँ सामने बहुत सारी शॉप्स लगी हुई, यहाँ से आप जो जैकेट ले सकते हैं। जैकेट के रेट वगैरह मैं आपको बता दूंगा। अभी हाथ देखो फ्रेंड्स, लाल हो चुका पूरा हाथ। ग्लव्स मैंने उतार दिया तो हाथ लाल हो चुका पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आप इससे भी देखो स्लेजिंग है, यहाँ से करके सब लोग जा रहे हैं। देखो सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जूते का पूछा था, शूज़ वगैरह बूट जो वहाँ पे, अगर यहाँ पे अपने जूते गंदे हो जाएंगे तो इसके चलते बूट ले सकते हैं। बूट के अलग अलग प्राइस मेरे को पता है, 100 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ है, 200 है, तो अलग अलग शूज़ मिल जाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग प्राइस है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 300, सबके अलग अलग है। जैसे आप एरिया कवर करते हैं यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पैकेज वगैरह भी मिल जाएंगे, पैकेज भी ले सकते हैं यहाँ पे अगर आपका बजट ज़्यादा है तो। अगर नहीं है तो आप कम कम एक्टिविटीज़ करके भी एंजॉय कर सकते हैं। ये दूसरी भाषा में बोलते हैं स्की का काम करती है, मतलब ये सस्ता वाला स्की है, वो महंगा स्की है, सस्ते वाले स्की है आपके। यार ये तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा, लाइक फर्स्ट टाइम। और ये देखो मैं भी फिसलता हुआ जा रहा हूँ। ये देखो ओए, दूर दूर तक फैला हुआ पूरे स्नो। यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स भी है पूरे, ज़बरदस्त है। इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा लाइफ में, मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में ऐसे स्नो और इतना बड़ा एरिया स्नो वाला नहीं देखा भाई। एक टाइम तो आना बनता है यहाँ पे, एक बार तो फ्रेंड्स आना बनता है यहाँ पे अपना गुलमर्ग। अभी स्नोफॉल भी होने वाला है यहाँ पे, कल परसों में बताया हुआ है कि स्नोफॉल होने वाला है। ये ऐसे कुछ यहाँ पे राइड करने को मिलेगा आपको, एंजॉय कर रहे हैं सारे टूरिस्ट यहाँ पे। और विंटर्स में तो आना एक बार बनता है यार, इस टाइप का आपको एक्सपीरियंस करना है, इस टाइप का एक्सपीरियंस करना है। गर्मियों का अपना एक अलग मज़ा है, देखिए विंटर का एक अपना अलग मज़ा है। ये देखो ये सी, ओए पैर भी घुस गया मेरा तो यार। तो जो एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है तो यहाँ पे भी आके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किसी से पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी एक्टिविटीज़ करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। स्की करनी है या फिर और जो स्लेज बताई थी वो करनी है, या फिर आपको जो है रोप वे करना है, तो मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ नहीं कर सकते आप। जो भी लिमिटेड टाइम होगा आपके पास, उसमें जो भी आपको सही लगता है वो आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक बार आना तो बनता है यार यहाँ पे, इस जगह जन्नत वाली जगह पे। यही अपना गुलमर्ग, यही मेरे को आपको एक्सप्लोर कराना था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है यार। दिल्ली से आकर के मैं गुलमर्ग कश्मीर दिखा रहा हूँ आपको, जन्नत जो हमारे हिंदुस्तान का ताज माना जाता है। कभी हिंदुस्तान का जब आपने मैप दिखा होगा उसके ऊपर कश्मीर अलग से नज़र आता है, हमारा ताज है हिंदुस्तान का। कश्मीर असली जन्नत यार, जन्नत तो यहाँ पर है। मनाली की अपनी वाइब्स है, मैं उनको बताऊंगा। ये कश्मीर की अपनी जो है, श्रीनगर से आप गुलमर्ग की अलग ही वाइब्स है। लिटरली मैंने ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस मेरा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बड़े एक्सपीरियंस यार, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग यार। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। चैनल पे पहली बार ही आया था एक्सप्लोर करने के लिए। अगर फ्यूचर में आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है इंडिया आपको मेरे साथ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। चैनल अन्नी व्लॉग्स आपको बहुत ज़्यादा आगे एक्सप्लोर कराने वाला है पूरा भारत। कोशिश करूंगा बजट फ्रेंडली रहने वाला, जैसे मैं आपको बजट फ्रेंडली में लेके आया हूँ वैसे पूरा एक्सप्लोर रहने वाला है। जहाँ पे सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, मेन पॉइंट आ चुके हैं, मैगी पॉइंट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी अवेलेबल आपको। आगे भी लेके चलते हैं, स्की वगैरह हो रही है यहाँ पे, स्की भी। और ये मेन पॉइंट है मेरे हिसाब से, यहाँ पे सारे टूरिस्ट यहीं पर आ रखे हैं। और देखो सी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रही है एक्टिविटीज़। ये तो बहुत ही, यहाँ तो आना बनता है पूरे में घूम घाम के, फिर आपको यहीं पर आना बनता है। खाने पीने के लिए आपको शॉप्स अवेलेबल मिल जाएंगी। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे भी, टूरिस्ट भी आ रखे हैं। बढ़िया, ये देखिए भाई स्की कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कि स्की आप ऊपर करने जाएंगे। आपको ऊपर स्की करने के लिए यहाँ पे कुछ आपको ये चीज़ मिलेगी, इसको पकड़ के आपको इस ऊपर जाना है। ये यहाँ से सबको एक एक देंगे और उसके सब लोग ऊपर जाएंगे इस साइड पर, वहाँ से फिर आपको आना पड़ेगा वापस। देखिए किड्स भी यहाँ पे हैं, वे सब एंजॉय करने के जा रहे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। ये देखिए लाइन से, बढ़िया। ये देखिए वो जा रहे, देखो बच्चा इसका बेबी है साथ में। और यहाँ पे भी कुछ खाना पीना खाऊंगा, खाना पीना खाने के बाद कुछ यहाँ पे कुछ देखेंगे, मैगी वगैरह खाने के बाद फिर अपना मूव करेंगे। अपना टाइम से पहुँचेंगे अपना श्रीनगर, ताकि ज़्यादा लेट ना, क्योंकि मैं शेयरिंग से आया हूँ, शेयरिंग मिलनी चाहिए यहाँ पे। और सोलो में यही प्रॉब्लम होती है कि यार वीडियोस वगैरह फोटो से बड़ी प्रॉब्लम रहती है हम लोगों को ना। और फ्रेंड्स के साथ आपने अभी तक प्लान नहीं बनाया था, फ्रेंड्स के साथ फ़ोन उठा के कॉल मिला के यार प्लान बना लीजिए एक्सप्लोर करने का। गुलमर्ग मैंने आपको बजट फ्रेंडली एक्सप्लोर भी करा दिया है। वाह, पता नहीं है मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी कब आ पाऊँगा यहाँ पर। और विंटर में यार फ्रेंड्स आना बनता है आपका। कहते हैं समर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज़न रहता है, समर का एक अपना अलग मज़ा है, बट विंटर का भी एक अपना अलग मज़ा है यार। लिटरली मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ लाइफ में यहाँ पे गुलमर्ग। आई विश कि मैं आपके आने वाले टाइम पे भी आता रहूँगा। स्नोफॉल होता तो मज़ा आता, बट कोई नहीं, अगर आप आए तो आपके साथ स्नोफॉल हो तो बहुत अच्छी बात है। सब स्की करते हुए यार यहाँ पे एंजॉय करते बर्फ़ में, फ्रेंड्स के साथ होता तो मैं भी शायद ज़्यादा इन्जॉय कर पाता ना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम कभी फ्रेंड्स के साथ जल्दी आऊँगा मैं भी इन्जॉय करने के लिए। बट आप प्लान बना लीजिए बजट फ्रेंडली जल्दी से। इसकी का फ्रेंड मैंने अभी पूछा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए अलग से वहाँ पे आपको मिल जाएगा 75 रुपीज़, 75 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसकी के वहाँ से मिल जाएगी, ये स्टूडेंट के लिए ऑफर, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कम प्राइस देना पड़ता है। अलग अलग फेयर्स हैं, लाइक स्की के भी, बोर्ड के भी अलग अलग है। बोर्ड देख रहे हैं आप यहाँ पे। और स्की का क्या है, स्की यहाँ पे 1 घंटे के लिए मिलता है, 1 घंटे के 600-700 रुपये देने पड़ेंगे। 1 घंटे के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कराने ऐसे करके आपको 1 से 1.5 घंटा देंगे 600 रुपये में। आपको स्केट बोर्ड जो आपको इसका भी इतना ही रेट है, बट आप उसको 1 डे का मिल जाता है आपको। तो सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया रफली। तो आप आएंगे तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है कौन सी नहीं करनी है। और चश्मा लगा के कैसा व्लॉगिंग करते हुए लग रहा है बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये चश्मा लगा के व्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे, मैंने इससे पहले नहीं करता था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे लग रहा है यार गुलमर्ग में आपके लिए व्लॉगिंग करते हुए चश्मा लगा के। और रोप वे की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे रोप वे को गंडोला भी बोलते हैं। गंडोला का प्राइस 740 रुपीज़ है, जो आपको जंगल की तरफ ऊपर लेके जाता है। वहाँ से व्यू आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो उसका भी 740 रुपीज़ है। मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे अपने हिसाब से, जो भी आपका बजट है वो वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और रोप वे कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगता है। बहुत बढ़िया रहा यार मेरा, मतलब लाइक मनाली की एक अपनी जगह है और उत्तराखंड के पहाड़ों की एक अपनी जगह है स्नोफॉल की, बट ये जो गुलमर्ग है अपना यार इसकी अलग ही बातचीत है। लाइक सीरियसली यार, मजाक नहीं, कसम से जन्नत से कम नहीं है भाई। कोई आएगा तो ज़रूर आना। मैं तो बोलूँगा अभी जल्दी से प्लान बना लीजिए, फरवरी तक यहाँ पर, मार्च तक भी आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। नाम क्या भी आपका? आशिक। आशिक भैया का नाम है। देखिए मैंने मैगी बनाने के, फारूक भैया का नाम है, मैंने मैगी बोली है। पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाए तो क्या है फायदे। मैगी अपनी रेडी हो रही है, 60 रुपये कुछ का रेट बताया। हिसाब से स्नोफॉल भी होने वाला है, लाइक यहाँ पे वेदर कंडीशन भी देख सकते हैं, पीछे पूरा फॉग हो रहा है इस टाइम पे। अगर हो गया यहाँ पे स्नोफॉल तो क्या ही कहने, किस्मत मनानी फ्रेंड्स पहाड़ों वाली मैगी। देखते फ्रेंड्स हल्का हल्का यहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का हो रहा है स्नोफॉल यहाँ पे, तो ऐसे कभी भी हो सकता है स्नोफॉल। आई होप फ्रेंड्स इस वाली वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई होगी, पूरा एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि आपको जो है गुलमर्ग का प्लान कैसे करना है, कैसे आप पहुँच सकते हैं और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ से एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो 4 बजे के बाद क्राउड जो जाने लग जाता है, तो आप अगर कोशिश कर रहे हो तो मॉर्निंग में जल्दी आने की कोशिश करें यहाँ पे और इन्जॉय करके जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो 4-5 बजे के बाद वेदर की कंडीशन भी थोड़ा सा कंडीशन उस टाइप की नहीं होती, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। और सेम फ्रेंड जैसे मैं आया था अपने बाई शेयरिंग कैब लेकर के 50 रुपीज़ अपना, जाऊँगा वहाँ पे टनमर्ग तक, टनमर्ग से जाऊँगा फिर अपना मंडी तक, मंडी से फिर अपना डल लेक के पास होटल के पास जाऊँगा। ये मेरा रूट होने वाला वापस जाने का। कहीं आप बोलो कि यार वापस आने का तो बता दिया, वापस का नहीं पता, तो वापस का भी सेम इसी तरीके से जाने वाला हूँ। और फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। कोई भी अगर प्लान कर रहा है, नहीं भी कर रहा उसको थोड़ा सा एक इंस्पायर कर सकते हैं मेरी वीडियो से कि ये देखो अन्नी व्लॉग्स एक बंदा है, पूरा वीडियो कवर करी, बजट ट्रैवल करा, बजट जर्नी करी, गुलमर्ग अच्छे से एक्सप्लोर करा। तो ऐसे करके भी आप एक्सप्लोर करा सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग को बता सकते हैं, ताकि वो मेरी वीडियो देख करके इंस्पायर होए अपना गुलमर्ग विजिट करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके गुलमर्ग आने के लिए, गुलमर्ग अपना वेकेशन प्लान करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, जो मैं पूरा श्रीनगर आया, जब मैं उधमपुर उतरा, उधमपुर से श्रीनगर आया, श्रीनगर से अपने गुलमर्ग तक का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ छोटा सा आपको। और यहाँ पे क्या है, हमारे जो देश की, हमारे हिंदुस्तान की देश की आन बान और शान जो हमारे जवान हैं हमारी इंडियन आर्मी के, उन यहाँ पे पूरे डिप्लॉय कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो। हैड्स ऑफ यार अपनी इंडियन आर्मी को, मैं हैड्स ऑफ देना चाहूँगा। मतलब लाइक मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ, मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए कि यार कि मतलब फ़ील हुआ मेरे को एक्चुअली कितना आपको वो लाइक CRPF अपनी आर्मी जो है, मतलब अपनी बॉर्डर पे जवान खड़े हुए हैं ताकि आप लोग महफूज रह सको, आप लोग सुरक्षित रह सकें। और मैं भी, मेरे को भी पहले था मन में कि यहाँ पे कश्मीर में कुछ, आपके ही मन में होगा कि कश्मीर जाएँ कि ना जाएँ, बट यार मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरा एक्सपीरियंस लिटरली बहुत अच्छा है और इजीली मेरे को सारी चीज़ें मिल गई यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई यार। एक हैट्स ऑफ मैं अपनी इंडियन आर्मी को देना चाहूँगा यार, शॉर्ट आउट देना चाहूँगा यार, एक लाइक तो बनता है उनके लिए फ्रेंड्स। सीरियसली उनके छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं शेयरिंग ऑटो से या पैकेज लेते, कुछ भी लेते, पैकेज लेंगे तो देखो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर यहाँ पे आइए, वहाँ पे जब टैक्सी छोड़ेगी आपको, यहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ से पैकेज ना लें, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सारे रेट वगैरह पता कीजिए, जो भी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है वो करें। ये नहीं कि आप सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, उनके पास पैकेज होता है, पैकेज में सारी चीज़ आपको बता देंगे, ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे, ऐसे भी कराएंगे। यहाँ पे आके देखेंगे थोड़ा सा आपको प्राइस कम पड़ने वाला, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो यार आप पैकेज ले सकते हैं, उसमें फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये जो है यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा और गुलमर्ग से आप सभी को मैं विदा लेना चाहूँगा। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ख्याल रखिए। अगर आपका कोई प्लान बनता हो तो प्लान भी जल्दी से बनाइए। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और एक नई वीडियो के साथ।